दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम गुरुवार को समस्तीपुर पहुंचे। यहां समाहरणालय सभा कक्ष में एसपी विनय तिवारी के साथ सभी डीएसपी इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर आगामी मुहर्रम के तैयारियों पर समीक्षा की। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संचालन के बारे में खास दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों को लंबित कांडों की स्थिति, अपराधियों की धरपकड़, कांडों के अनुसंधान और निष्पादन आदि बिंदुओं की पड़ताल की। उन्होंने बताया कि जिले में आगामी मुहर्रम के त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस का पहरा रहेगा। उन्होंने कहा, मुहर्रम के जुलूस मार्ग को चिन्हित कर लिया और जुलूस के साथ सुरक्षा की पूरी तैयारी हो। इससे पूर्व समाहरणालय में पुलिस कर्मियों ने पुलिस उप महानिरीक्षक को गार्ड ऑफ ऑनर किया। मौके पर एएसपी संजय कुमार पांडे, ट्रैफिक डीएसपी आशीष राज, नगर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पिंकी प्रसाद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनील कांत सिन्हा समेत सभी पुलिस पदाधिकारी कर्मी मौजूद रहे। आज ये मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए और थाना की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए जो मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं, इसकी समीक्षा के लिए यहाँ बैठे थे हम लोगों ने। तो मुहर्रम की तैयारियाँ की जा रही हैं, सभी लोग मेहनत से लगे हुए हैं और थाना की कार्यप्रणाली में पहले के मुकाबले काफ़ी सुधार हुआ है। ऑनलाइन FIR दर्ज करना है या जो थाना पर आगंतुक आते हैं तुरंत उनकी शिकायत सुन के तुरंत FIR करनी है, उनको FIR की रसीद देनी है, इन सभी बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। Thank you.